हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। बाड़मेर में बस ट्रैक्टर की भिड़ंत में भयावह 12 सवारियां जिंदा जली, कई घायल। पीएम ने जताई संवेदना, मुआवजे का ऐलान। सीएम ने जताया दुख, बाड़मेर बस ट्रेलर की भीषण भिड़ंत में भयावह स्थिति। दर्दनाक हादसे में शवों की शिनाख्त करना हुआ मुश्किल। आग से शव राख में हुए तब्दील, बस पर ट्रक से शवों को निकालने का रेस्क्यू जारी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, बाड़मेर एमएलए मेवाराम जैन, नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल, राजसमंद सांसद दिया कुमारी, गुड़ा मुलानी एमएलए हेमा राम चौधरी ने ट्वीट कर हादसे पर जताया दुख। सीएम ने किया ट्वीट। सीएम अशोक गहलोत ने इस खबर को दर्दनाक बताया है और पीड़ितों को पूरी मदद का आश्वासन दिया है। उन्होंने ट्वीट कर अपनी चिंता जताई है। लिखा है, बाड़मेर में हुई बस ट्रक दुर्घटना के संबंध में जिला कलेक्टर बाड़मेर से फोन पर वार्ता कर राहत बचाव कार्यों के संबंध में निर्देशित किया है। घायलों का बेहतर से बेहतर इलाज सुनिश्चित किया जाएगा। जानकारी के मुताबिक भांड्यावास के पास बस और टैंकर की जबरदस्त तरीके से भिड़ंत हो गई, जिसके बाद अचानक की बस में आग लग गई। आग इतनी खतरनाक थी कि चंद मिनटों में पूरी बस जलकर खाक हो गई। आसपास के लोगों ने बस में सवार लोगों को नीचे उतारा, जख्मी घायलों को बालोतरा अस्पताल के लिए निजी साधनों से भेजा। वहीं बस पर आग पर काबू पाने के लिए आसपास के लोगों ने कई कोशिशें की। दर्दनाक हादसा बाड़मेर जोधपुर हाईवे पर हुआ। यहां बस और टैंकर की भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बस में आग लग गई। प्रशासन ने अब तक 12 लोगों की मौत की पुष्टि की है। वहीं घायलों का इलाज बालोतरा अस्पताल में चल रहा है। सीएम ने किया ट्वीट। सीएम अशोक गहलोत ने इस खबर को दर्दनाक बताया है और पीड़ितों को पूरी मदद का आश्वासन दिया है। उन्होंने ट्वीट कर अपनी चिंता जताई है। लिखा है, बाड़मेर में हुई इस दर्दनाक घटना के संबंध में जिला कलेक्टर बाड़मेर से फोन पर वार्ता कर राहत बचाव कार्यों के संबंध में निर्देशित किया है। घायलों का बेहतर से बेहतर इलाज सुनिश्चित किया जाएगा। बस और टैंकर की भिड़ंत, जानकारी के मुताबिक भांड्यावास के पास बस और टैंकर की जबरदस्त तरीके से भिड़ंत हो गई, जिसके बाद अचानक ही बस में आग लग गई। आग इतनी खतरनाक थी कि चंद मिनटों में पूरी बस जलकर खाक हो गई। आसपास के लोगों ने बस में सवार लोगों को नीचे उतारा, जख्मी लोगों को बालोतरा अस्पताल के लिए निजी साधनों से भेजा। वहीं बस पर आग पर काबू पाने के लिए आसपास के लोगों ने कई कोशिशें की। सीएम ने बेहतर इलाज का भरोसा, पीएमओ की ओर से मुआवजे की घोषणा। बाड़मेर में बस ट्रेलर के बीच हुई भीषण सड़क दुर्घटना में मारे गए लोगों के प्रति प्रधानमंत्री ने ट्वीट के जरिए शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी संवेदनाएं जाहिर की। पीएमओ की ओर से हादसे में जान गंवाने वालों के आश्रितों को 2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए देने की घोषणा की गई। जागरूक टीवी की बाड़मेर से खास रिपोर्ट।